होंगी। तो अब जब मैं बात करती हूँ मटिया बैलेंस की और स्टेडी स्टेट की, तो इसमें अगर स्टेडी स्टेट मटिया बैलेंस हम लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि मटेरियल बैलेंस में मटेरियल यानी मास जो है वो सिस्टम में एंटर हो रहा है और सिस्टम से आउट हो रहा है, यानी एम इज डेल्टा एम, चेंज इन मास जो हम ले रहे हैं इज इक्वल टू एम इन इज इक्वल टू एम आउट, यानी जितना सिस्टम में मास एंटर हो रहा है उतना एग्जिट हो रहा है। ये तो बात होगी स्टेडी स्टेट की। अब अगर हम जब बात करते हैं अनस्टेडी स्टेट की मटेरियल बैलेंस का, इसका मतलब है कि मास एक्यूमुलेट हो रहा है विद इन द सिस्टम। अच्छा, हम जो कुछ भी काम कर रहे होते हैं चाहे वो मटेरियल बैलेंस हो या एनर्जी बैलेंस हो, हम काम कर रहे होते हैं विद इन द सिस्टम। सिस्टम के बाहर जो सराउंडिंग्स होती है उससे हमारा जो है वो कोई कैलकुलेशंस के लिए हम उसको जो है इग्नोर कर देते हैं कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। हम विद इन द सिस्टम जो मटेरियल या जो एनर्जी एंटर और एग्जिट हो रही होती है हम विद इन द सिस्टम बाउंड्रीज कंसिडर कर रहे होते हैं। सिस्टम बाउंड्रीज को कौन सी मटीरियल या एनर्जी जो है वो क्रॉस कर रही है, या सराउंडिंग में जा रही है या सिस्टम में एंटर हो रही है। तो जब हम अनस्टेडी स्टेट स्टेडी की बात करते हैं तो जितना मटेरियल इन होता है उतना आउट होता है। जब अनस्टेडी की बात करते हैं तो एक्युमुलेशन इज इक्वल टू जितना मटेरियल इन होता है उतना आउट होता है प्लस कंजम्पशन प्लस उसके अंदर एक तो कंजम्पशन की इसमें है कंज्यूम हो रहा होता है मटेरियल और जनरेशन प्लस माइनस जनरेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन है मटेरियल बैलेंस अनस्टेडी स्टेट के लिए कि इसमें हम कितना एक्युमुलेशन हो रही है और कितना मटेरियल इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है और क्या कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, अब एनर्जी के लिए भी हम यही बात करेंगे। अच्छा, एनर्जी का चूंकि मैं ये आपको डिटेल में करवा रही हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको उठाऊंगी। तो ये यहाँ पे पहले हमने लिया था एनर्जी बैलेंस का। अच्छा, मटेरियल बैलेंस एनर्जी बैलेंस मैं साथ साथ करवाती जाऊंगी आपको, तो आप लोग को थोड़ा बहुत इसी तरह से क्लियर होता जाएगा। अदरवाइज मैं मटेरियल बैलेंस को अगर अलग से लूंगी तो वो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें आप लोगों ने फिर जो है वो बाईपास पर्ज इसके रिएक्शन भी नहीं किए होंगे, रिएक्शन और नॉन रिएक्टिव और रिएक्टिव मटेरियल बैलेंस भी नहीं किया होगा, ये भी नहीं किया। जी मैं इसने ही किया, ये तो भी नाम सुने सर। बाईपास और पर्ज के भी नहीं किए आप लोगों ने। नो मिस, पता नहीं क्या बनेगा, खैर नहीं चलें। मुझे आप सुनी है अभी रहे हैं। जो टर्म्स भी अभी सुनी है आप लोगों ने तो किया क्या फिर, बस यूनिट फिर आपने क्या कन्वर्जन किया और है, डायमेंशंस बस यही किया है। और एक दो, ये जो शुरू के दोनों न्यूमेरिकल्स होते हैं कि यहाँ से फीड अंदर हुई और यहाँ से एग्जिट हुई, ये दो दो तीन न्यूमेरिकल ऐसे किए बस बस। बस यही की है। अच्छा, फेस डायग्राम्स मुझे किए शक हो रहा था, मुझे यही शुभ हो रहा था क्योंकि जिस तरह कल क्वेश्चंस पूछ रहे थे स्टूडेंट, मुझे यही लग रहा था कि आप लोगों ने मटेरियल बैलेंस जो है वो शायद नहीं किया हुआ। चलो एनीवे मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊंगी। यहाँ पर हमने मैंने आपसे लास्ट क्लास में हम पिछले लेक्चर्स में हमने जो है वो एनर्जी बैलेंस के लिए इक्वेशन हमने यहाँ पर हमारे पास आई थी ये विद एक्यूमुलेशन है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्टेडी और अनस्टेडी में डिफरेंस ये है कि एक्यूमुलेशन जो है वो अनस्टेडी स्टेट में हो रही होती है और एक्यूमुलेशन जीरो जो है वो स्टेडी स्टेट में हो रही होती है। कोई मटीरियल या एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं हो रही थी, स्टोर नहीं हो रही होती विद इन द सिस्टम। तो जब सिस्टम में एनर्जी, तो हमारे पास इक्वेशन जो है एनर्जी बैलेंस के लिए अनस्टेडी के लिए हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। नीचे आप देखें इक्वेशन नंबर 22.2 दी हुई है अनस्टेडी स्टेट एनर्जी बैलेंस के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वी कैन राइट द मैक्रोस्कोपिक एनर्जी बैलेंस फॉर अ क्लोज्ड अनस्टेडी स्टेट सिस्टम फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल इन वर्ड्स एज एक्युमुलेशन ऑफ एनर्जी विद इन द सिस्टम बाउंड्री फ्रॉम T1 टू T2 इज इक्वल टू नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन टू द सिस्टम, यानी इन एनर्जी एंड आउट एनर्जी, इन माइनस आउट एनर्जी थ्रू द सिस्टम बाउंड्रीज फ्रॉम T1 टू T2। ये तो वर्ड्स में है, तो अब हमने इसको जो है मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हमने इस तरह लिख लिया, डेल्टा चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी उस वक्त होगी जब एक्यूमुलेट हो रही होगी। तो चेंज इन एनर्जी, अब सिस्टम में एनर्जीज कौन सी जो है वो सिस्टम में एनर्जीज होती हैं, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में होती हैं, और इसको हम डेल्टा ई से शो करते हैं। ये टोटल एनर्जी है
तो चेंज इन एनर्जी हम डेल्टा ई से शो करेंगे, यहाँ पर क्यू प्लस डब्ल्यू यानी मास एसोसिएटेड एनर्जीज जो हैं वो इन और आउट नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जी मैडम तो अभी यहाँ आप पर कौन जो सी है स्लाइड पे? मेरे पास जो स्लाइड नंबर 16 आ रही है, ये तो प्रीवियस लेक्चर है जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि आपका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट ओके नहीं है मिस। इसका। तो अभी तो मैं अभी आज वाले लेक्चर पे आऊंगी। तो ये मैं आपसे कही थी कि सिस्टम में जो एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक और इंटरनल एनर्जीज, ये हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली थी कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ये टोटल एनर्जी कंटेंट होते हैं जिसको हम डेल्टा ई से शो करते हैं। अब जब डेल्टा ई हमारे पास ये एनर्जीज हैं, अच्छा अब ये इनसाइड एनर्जीज है, देखिए आप ब्रैकेट के बाहर इनसाइड लिखा हुआ है, ये सिस्टम की इनसाइड एनर्जी जो सिस्टम परसिस्ट करता है, लेकिन ये मास के साथ भी एंटर और एग्जिट होती है यही इनर्जीज, अगर मास एंटर हो रहा हो। लेकिन ये क्लोज्ड अनस्टेडी स्टेट सिस्टम है तो मास एंटर नहीं हो सकता, जब मास एंटर नहीं होता तो ये इनर्जीज भी एंटर नहीं हो रही, जब इनर्जीज एंटर नहीं हो रही तो जाहिर एग्जिट भी नहीं होंगी, और यहाँ पर क्यू प्लस डब्ल्यू सिर्फ रह जाएगा, बाकी एनर्जीज जो है वो जीरो हो जाएंगी। अगर न्यूमेरिकल मैं करवा रही हूँ उसमें आपको क्लियर होता जाएगा कि ये हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको यही बताया था, इन्होंने ये इसको डिफाइन कर दिया है डायग्रामेटिकली कि सिस्टम जो है उसके अंदर एनर्जीज किस तरह से होती हैं। सराउंडिंग मे नॉट डू वर्क, मे डू वर्क ऑन द सिस्टम दैट इज डब्ल्यू, हीट क्यू मे एंटर द सिस्टम। अच्छा सराउंडिंग जो है वो वर्क और हीट जो है वो सिस्टम में एंटर हो सकते हैं, लेकिन एनर्जीज नहीं हो सकती, ये मास नहीं हो सकता, तो मास एसोसिएटेड एनर्जीज भी एंटर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात जो है डायग्राम में शो कर दी है। साइन का मैंने आपको बता दिया था कि वर्क और क्यू का साइन हम किस टाइम पॉजिटिव लेते हैं और किस टाइम हम उसको नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अच्छा अब यहाँ पर हमने कहा था कि यही बात इन्होंने यहाँ पे क्यूमुलेट किया, ऑल्सो कीप इन माइंड दैट ईच टर्म इन द इक्वेशन 22.2 रिप्रेजेंट द रिस्पेक्टिव नेट क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम T1 टू T2, नॉट द रिस्पेक्टिव एनर्जी पर यूनिट टाइम, और रेट विच कुड बी डिनोटेड बाय एन ओवरले डॉट। अच्छा टोटल एनर्जी यहाँ पर इन्होंने क्यूमुलेटिव नेट क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जो शो किया हुआ है वो यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया हुआ है वो नेट क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी शो किया हुआ है फ्रॉम टाइम इंटरवल T1 टू T2। अच्छा जो रेट हम ओवरले जो डॉट उस पर होता है वो पर यूनिट मास को शो कर रहा होता है। चलें अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर आ जाते हैं। ये हमने डायग्राम जो है वो डिफाइन मैंने कर दी थी कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है क्लोज सिस्टम के लिए, तो देखें जितना यहाँ पे एंटर हो रहा है उतना एग्जिट नहीं हो रहा। मिस हमारे पास स्लाइड शो नहीं हो रही। आपके सिस्टम में नेट में आपके प्रॉब्लम होगा, सबको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर होना चाहिए। सबको आ रहा है मसला ये? मिस कौन सी स्लाइड पे हैं आप? हमारे पास ना मैम तीन आ रही हमारे है। पास शो तो हो रही है पर मैम चेंज नहीं हो रही। बेसिकली आपने सेट चेंज की हुई है स्लाइड की, तो ऊपर से चेंज कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 19 of 42, वहां से हाँ मतलब सेटिंग चेंज हो तो मैं सकती है। नाइनटीन स्लाइड आ स्लाइड गया है। पर हूँ, स्लाइड 19 पर ये हूँ। 17 शो हो रही है, 19 शो हो रही है। ये स्लाइड आप लोग, स्लाइड आ रही है आप लोगों के पास? 20 आ नहीं रही मिस, है, हम खुद चेंज कर मिस सकते 19 आ रही है हैं। हमारे यस पास। मैम, 19 ही है मेरे पास भी, मार्टी असल में वो सबको सर्दी लग रही होगी ना, कोई कोशिश नहीं कर रहा नहीं होगा चेंज मैम, करने हमारे की। पास नहीं आ रही। अब मैं क्या करूं, नहीं आ रही तो आपके पर प्रॉब्लम यार होगी ऊपर आपकी कंट्रोल्स तरफ नेट में। होंगे, ऊपर कंट्रोल्स हैं नेविगेशंस फॉरवर्ड एंड बैक के, वहां से आप चले जाएं। अच्छा मिस आप एक काम करें, मिस जैसे ही आप स्लाइड चेंज करें तो आप हमें बताइएगा, तो हम भी जो है ना चेंज करते रहेंगे। अच्छा ठीक है। अभी कौन सी स्लाइड्स में?
अभी स्लाइड 19 पर हूं मैं। ओके मैम, मिली स्लाइड आपको? ठीक है, 19 स्लाइड पे ये फिगर दी हुई है। इसमें क्लोज अनस्टेडी स्टेट की एग्जांपल दी हुई है जिसमें एनर्जी चेंजेस जो है वो शो किए हैं। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली है, सिर्फ मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को ताकि मैं आगे अगले टॉपिक पर जा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्यूमुलेशन शो कर रहा है क्योंकि ये अनस्टेडी क्लोज सिस्टम है, तो यहाँ पे जितना एंटर हो रहा है उतना एग्जिट नहीं हो रहा। वर्क टन की फॉर्म में एंटर हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रही है एनर्जी सिस्टम बाउंड्रीज में। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे जो है वो स्लाइड फर्स्ट फिगर में यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कि वर्क इसमें एनर्जी एंटर हो रही है 8 किलो जूल्स और हीट के फॉर्म में आउट हो रही है 2 किलो जूल्स। इसका मतलब है एक्यूमुलेट हो रही है एनर्जी, हीटिंग वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल में। सिमिलरली यहाँ पर अगली स्लाइड में भी यही इन्होंने शो किया हुआ है कि एनर्जी स्टोर हो रही है और वर्क एंटर हो रहा है और जो एनर्जी की फॉर्म में 5 किलो जूल जो है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, एप्लीकेशन ऑफ द एनर्जी बैलेंस टू क्लोज सिस्टम्स। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, अल्कोलाइड्स आर केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये मैं स्लाइड नंबर 20 पर हूँ, मैंने स्लाइड चेंज कर ली है, अब आप 20 स्लाइड पर आ जाइए, एग्जांपल नंबर है 22.1। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है, न्यूमेरिकल एक छोटा सा है। अल्कलाइड्स आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट सेल्स इन एन एक्सपेरिमेंट। अ क्लोज्ड वेसल 1.673 मीटर क्यूब इन वॉल्यूम वाज फिल्ड विद अ डाइल्यूट वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग टू अल्कलाइड्स अजमेलिसाइन एंड सर्पेंटाइन। द टेंपरेचर ऑफ द सॉल्यूशन वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू ऑब्टेन एन एसेंशियली ड्राई रेसिड्यू ऑफ अल्कलाइड्स। ऑल ऑफ द वाटर इन द वेसल 1 kg was vaporized. Assume that the properties of water can be used as a substitute for the properties of the solution. How much heat has to be transferred to the vessel if 1 kg of saturated liquid water initially at 10 degree centigrade is completely vaporized to the final conditions of 100 degree centigrade and 1 atmosphere? अच्छा, ये इन्होंने डायग्राम दी हुई है जिसमें इन्होंने बताया कि टेम्परेचर जो फाइनल 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है वेसल में उसका जो प्रेशर है 1 एटमोसफेयर दिया हुआ है। और अब इसको हम अच्छा यहाँ पे सफिशिएंट डाटा इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू फिक्स द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द वाटर। यहाँ पे इन्होंने इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वाटर की दी हुई है, वेपराइजेशन से पहले लिक्विड स्टेट एंड वेपराइजेशन के बाद गैस स्टेट। प्रेशर दिया हुआ वाटर 1 एटमोसफेयर सेम है। टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था इनिशियल स्टेट पर लिक्विड फॉर्म में और 100 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल स्टेट में जो कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। फेस चेंज यहाँ पर इन्वॉल्व है। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे 35 किलो जूल्स इनिशियल स्टेट पर और 2506 किलो जूल्स पर केजी यहाँ पर फाइनल गैस स्टेट में इंटरनल एनर्जी दी हुई है। अच्छा, स्टीम टेबल्स तो जब आप लोगों ने अब मैं आप लोगों को आगे करवाऊंगी, स्टीम टेबल्स हो सकता है थर्मो में आप लोगों ने की हो। लुक अप द एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सच एज वी एंड एच वॉल्यूम एंड एंथैल्पी बट दे आर नॉट नीडेड फॉर द प्रॉब्लम। स्टीम टेबल्स में ये सारी वैल्यूज दी होती हैं, प्रेशर दिया होता है, टेम्परेचर दिया होता है, इंटरनल एनर्जी दी होती है, एंथैल्पी एंड वॉल्यूम दिया होता है। तो स्टीम टेबल्स हम कंसल्ट करेंगे आगे, जहाँ पर यहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर फिर मैं आपको स्टीम टेबल्स पढ़ना जो है उसको बताऊँगी कैसे हम उसको रीड आउट करते हैं। तो ये इन्होंने छोटा सा एग्जांपल जो दिया हुआ है स्टीम टेबल्स इन्होंने लिया है, सिर्फ नेसेसरी इन्होंने डाटा ले लिया है, बाकी इन्होंने स्किप कर दिया है। तो सिस्टम इज क्लोज्ड अनस्टेडी, इक्वेशन 22.2 जो मैंने अभी आपको करवाई है लास्ट लेक्चर में, लास्ट स्लाइड्स में, वो इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं जो कि है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब जब मैंने आपसे बात की थी कि डेल्टा ई जो है वो इनसाइड द सिस्टम एनर्जीज हैं, तो चेंज इनसाइड द सिस्टम एनर्जी जिसमें डेल्टा यू प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी एंड डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हैं, चेंज इन एनर्जीज हैं,
इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा जैसे कि यहाँ पे सिस्टम में वाटर इन्होंने लिया इज एट रेस्ट, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई बिकॉज द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द वाटर चेंजेस वेरी स्लाइटली, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो आपके पास जो है वो जस्ट अ सेकेंड इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा यू रह गया क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है उसमें चेंज आ रही है, तो डेल्टा ई यानी टोटल एनर्जी चेंज जो है उसमें से आपके पास ये दो एनर्जी चेंजेस तो जीरो हो गई, और तो आपके पास रह गई डेल्टा यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये मैंने स्लाइड 22 पर आ गई हूँ मैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर इक्वेशन न्यूमेरिकल को, तो हमारे पास बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हमने 1 केजी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड ये ले लिया है, देन क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। अच्छा हाँ, वर्क डन भी तो जीरो हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा तो वर्क डन भी जीरो है, तो W जीरो हो गया, तो आपके पास जो रह गई इक्वेशन वो Q इज इक्वल टू डेल्टा U रह गई या डेल्टा U इज इक्वल टू Q रह गया। तो यहाँ पर हमने डेल्टा U को हमने इस फॉर्म में लिख सकते हैं U2 टू माइनस यू वन फाइनल माइनस इनिशियल स्टेज, और यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं पर यूनिट मास में दी हुई हैं। मैम ये आपने डेल्टा यू के साथ एम क्यू लगाया? मैं आपको वही तो बता रही हूँ, अभी सुन तो ले मेरी बात पूरी, मैं कह क्या रही हूँ। यहाँ पर डेल्टा यू हमने लिया है, मैंने आपसे कहा था कि ओवरले जो हम लेते हैं पर यूनिट मास के लिए लेते हैं, जब ओवरले हम पर यूनिट मास के लिए लेते हैं तो जो वैल्यूज हमारे पास दी हुई है किलो जूल पर के जी में दी हुई है, और एम हम लेते हैं टोटल मास, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम टोटल मास के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें यू की वैल्यू टेबल में देखें किलो जूल्स पर केजी लिया हुआ है, किलो जूल्स पर केजी का मतलब है यू के ऊपर आप देखें छोटा सा हैट लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था और कल की क्लास में बताया था कि जब यहाँ पे हमारे पास इन वेरिएबल्स के ऊपर कैप लगा होता है तो इसके मतलब होता है अंडरस्टूड होता है कि ये पर यूनिट मास वैल्यूज हैं, और डॉट का मतलब होता है हम रेट ले रहे हैं फ्लो रेट, जहां पे डॉट आ जाएगा इसके ऊपर, अगर जैसे क्यू के ऊपर डॉट आ रहा है या मास के ऊपर एम के ऊपर डॉट आ रहा है तो मास फ्लो रेट है, और क्यू पे अगर आ रहा है तो क्यू हीट फ्लो रेट है, तो जहां पे डॉट आ रहा है वो फ्लो रेट होता है, और जहां पे ये ओवरले या कैरेट आ रहा है या कैप आ रहा है उसको हम पर यूनिट मास लेते हैं। इसको आप अच्छी तरह से रट लें, याद कर लें, क्योंकि ये आगे सब इस्तेमाल होगा, बार बार यूज होगा। तो अब अगर आप एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जैसे इसमें वी के ऊपर इन्होंने ओवरले या कैरेट या कैप लिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये पर यूनिट मास है। अब इसी तरह से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के ऊपर कैरेट है तो ये पर यूनिट मास है। अब यहाँ पर हमने जो एम से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसका मतलब है ये पर यूनिट मास को हम टोटल मास के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1 केजी वाटर के लिए हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे देखें बेसिस ऑफ कैलकुलेशन 1 केजी वाटर लिया हुआ है, तो 1 केजी वाटर के लिए केजी तो पर यूनिट मास हम ले रहे हैं। एक सेकंड, ये अगली स्लाइड आ गई है। तो जब हम 1 केजी वाटर ले रहे हैं तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई, हमने मास जो है 1 केजी है तो हमने इसको पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया एम के साथ, तो Q इज इक्वल्स टू ये किलो जूल्स पर केजी यानी यू टू ओवर ले या कैरेट माइनस यू वन ओवर ले या कैरेट पर यूनिट मास है, तो किलो जूल्स पर केजी हमने वैल्यूज रख दी, टोटल मास से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई जो कि 2471 किलो जूल्स है। अच्छा अब हम इसमें कई सिस्टम से वर्क करेंगे, इसमें ऐसे यूनिट्स भी हैं और अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम्स भी हैं, तो अब अगर हमने एग्जांपल ये जो अभी हमने की है ये ऐसे ही सिस्टम में थी,
तो जहाँ पर यूनिट्स चेंज होंगे तो वहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम यूनिट्स यूज़ करेंगे और नीडेड यूनिट्स जो हैं हम उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन यूनिट्स हम यूज़ करेंगे. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू यूज़ द स्टीम टेबल्स, यू विल ऑफन फाइंड ओनली एन्थैल्पी वैल्यूज, लिस्टेड नॉट द केस विद द स्टीम टेबल्स इन द फोल्ड आउट. अच्छा खैर, इन्होंने ये बुक का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया है कि बुक की बैक के ऊपर जो फोल्ड आउट है या सी डी जो है वो प्रोवाइड की गई जिसमें इन्होंने स्टीम टेबल्स दी हुई है. तो हम स्टीम टेबल जो हैं वो वैसे भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन ली हुई है Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा पी वी. ये मैंने एंथैल्पी जब मैंने आपको करवाया था, एंथैल्पी का मैं आपको टॉपिक करवा रही थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी की इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी या यू प्लस पी वी. एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी हम लेते हैं इक्वेशन फॉर एंथैल्पी के लिए. जब हम एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं तो हम इसके साथ डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी. और अगर हम इंटरनल एनर्जी चेंज करते हैं तो इसी इक्वेशन से हम इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू है, क्योंकि हमने ऊपर इक्वेशन में देखा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू या क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू हमने लिया है. अब 22.3 इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है. अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, स्लाइड नंबर 23 पर आ जाइए. कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू यूजिंग अमेरिकन इंजीनियरिंग यूनिट्स, यानी अमेरिकन इंजीनियरिंग यूनिट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बजाय एसआई यूनिट्स के. सैचुरेटेड लिक्विड वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट स्टिल सैचुरेटेड. What are delta E, delta U, delta H, delta P and delta V? अब यहाँ पर ये स्टीम टेबल्स यूज करना जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी कॉन्टेंट्स क्या है हमारे पास, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है हमारे पास, और एंथैल्पी चेंज क्या है, और चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है. जबकि हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड वाटर जो है जिसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है 80 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी कूल हो रहा है ये, स्टिल सैचुरेटेड, फेज चेंज नहीं हो रहा. व्हाट आर दीज वेरिएबल्स, द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स. अच्छा, द सिस्टम इज क्लोज एंड अनस्टेडी स्टेट. अच्छा, अब ये क्लोज और अनस्टेडी स्टेट है तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल 22.1 में जो जिस तरह हमने किया है वो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे. ये टेबल्स इन्होंने दी हुई हैं जिस तरह से इन्होंने पिछले न्यूमेरिकल में लिया था, स्टीम टेबल से वैल्यूज ली हुई हैं. That these properties listed below are from the steam tables for the saturated liquid at its vapor pressure. जो vapor pressure पे saturated liquid की definition आपको पता होनी चाहिए कि saturated liquid क्या है, उसके बाद phase change होना शुरू हो जाता है. अच्छा, यहाँ पर जो है pressure दिया हुआ है PSIA में. अब आपने यहाँ पर units जो हैं वो consider करें, PSIA लिया हुआ पर पर स्क्वायर इंचेस एटमॉस्फेरिक, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस एटमॉस्फेरिक. इनिशियल कंडीशन दी हुई है, फाइनल कंडीशन दी हुई है. सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो लिया हुआ है फुट क्यूब पर पाउंड में, स्पेसिफिक वॉल्यूम है. और एच जो लिया हुआ है बीटीयू पर पाउंड में लिया हुआ है. अब यहाँ पर हमने बेसिस ऑफ कैलकुलेशन जो है वो 1 pound ले लिए, 1 pound ऑफ वाटर. तो डेल्टा पी सिंपल आपने प्रेशर, चेंज प्रेशर इनिशियल और फाइनल कंडीशन के थ्रू आपने कैलकुलेट कर लिया. सिमिलरली डेल्टा वी की वैल्यू भी आपने इसी तरह कैलकुलेट कर ली फाइनल और इनिशियल कंडीशंस के थ्रू, और डेल्टा एच भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिया इनिशियल और फाइनल कैलकुलेशन से. तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट हो गई, डेल्टा वी, डेल्टा पी और डेल्टा एच, ये 3 वेरिएबल्स हमने कैलकुलेट कर लिए. अब रह गया डेल्टा यू एंड डेल्टा ई, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एनर्जी कंटेंट. स्लाइड नंबर 24 पर आ जाएं.
अच्छा यहाँ पे वर्क डन जीरो है, क्लोज्ड और अनस्टेडी स्टेट सिस्टम है, कोई वर्क डन यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा, जस्ट यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब वर्क डन नहीं है तो वर्क डन जीरो हो गया। क्लोज अनस्टेडी स्टेट सिस्टम के लिए हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो लेते हैं और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। तो आपके पास क्या वेरिएबल बच गया? डेल्टा यू बच गया। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा पी वी, या एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी की इक्वेशन हमारे पास आ गई। यानी हमारे पास सिर्फ डेल्टा यू बच गया। इंटरनल एनर्जी, जैसे मैंने लास्ट में बार बार रिपीट करती हूँ ताकि ये आपको मेमोराइज हो जाए, इंटरनल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम हम सूजी लिखते मिस, हैं। जी मिस ये डेल्टा वो सॉरी डेल्टा के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो हुई, एक और दफा रिपीट कर दें प्रेशर एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है। मिस। हाँ यस मिस, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जीरो हो गए ना मिस, क्यों हुई ये बता दें। वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आ रही है? नो मिस, कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है प्रोसीजर जिसमें पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकती है? नहीं है। नो मिस, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में चेंज जब उस वक्त आएगी जब जहाँ पर एनर्जी इन और एनर्जी आउट, यानी मास के साथ एनर्जी एंटर हो रही है और मास के साथ एनर्जी जो है वह एग्जिट रही है। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है। अच्छा एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर पिछली स्लाइड्स आप खोलिएगा, उसमें आप वहाँ पे लिखा होगा कि जो पहली इक्वेशन थी मैंने शुरू में ही बताया था, मास बैलेंस की इक्वेशन थी और उसके नीचे एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन थी, वर्डिंग्स में भी थी, फिर उसके बाद मैथमेटिकली थी। वहां पे इन्होंने यही बताया हुआ था कि अनस्टेडी स्टेट क्लोज सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी चेंज और पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो है वो जीरो लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हमारे पास फ्लूइड जो है वो रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी जो है कोई सफिशेंटली या ऐसा कोई वर्क ऐसा कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा, उसमें सेंटर में उसके पोटेंशियल एनर्जी में बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, तो हम पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी जीरो ले रहे हैं। वो आप पढ़ लेना पिछली स्लाइड से, वो आपको क्लियर हो जाएगा। यस मिस, आगे और आगे, जजाकअल्लाह मिस। चलें अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक रह जाता है इंटरनल एनर्जी जो कि डेल्टा यू है। यानी इनसाइड सिस्टम में जो एनर्जीज कंसिस्ट करता है सिस्टम, उसमें दो तो जीरो हो गई तो एक ही रह गई डेल्टा यू। और हमें ये मालूम है कि डेल्टा यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एंथैल्पी की इक्वेशन मौजूद है। एंथैल्पी की एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है, तो हम उसकी हेल्प से हम इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा पी वी। तो डेल्टा पी वी हमें मालूम है कि ये डेल्टा पी वी को हम कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के थ्रू डेल्टा पी वी इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा पी वी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, तो डेल्टा पी वी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो ये इनिशियल स्टेट, यहाँ पर आप देखें कन्वर्जन यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। कन्वर्जन यूनिट किस तरह से इन्वॉल्व है कि ये जो पाउंड है, क्योंकि हम अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम में फोर्स और मास के लिए हम अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे फोर्स को हम पाउंड फोर्स में शो करते हैं और मास को हम पाउंड मास में शो करते हैं। ये अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम ही में सिर्फ है, बाकी सिस्टम्स में नहीं है। तो जब हम यहाँ पर अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे जो आपके पास यूनिट्स आए हुए हैं यहाँ पे पाउंड पर स्क्वायर इंच, एक्चुअली अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम में पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच है। तो यहाँ पे हमने इसको पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच यहाँ पे ले लिया। अब जब हमने नेक्स्ट हमने देखा तो ये फुट क्यूब पर पाउंड में है, यानी वहां पर इंचेस में दिया हुआ है और यहाँ पे फुट क्यूब में दिया हुआ है, तो हम इसको फुट में ले जाएंगे। जो फुट में हम लेकर गए हैं तो हमने इसको इंचेस को कन्वर्ट किया है फुट में, तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन यूनिट लगाया 144 इंच स्क्वायर में, 1 फुट स्क्वायर में 144 इंच स्क्वायर होते हैं, क्योंकि 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, तो 1 फुट स्क्वायर में 144 इंचेस होंगे। तो 1 फुट स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंचेस स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो वी टू की भी इन्होंने इसी तरह से कन्वर्जन की हुई है, पाउंड मास में लिया हुआ है यहाँ पर,
ये देखें आप, ये पाउंड लिया हुआ है वी, तो ये एक्चुअल अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम में पाउंड मास है, तो यहाँ पे इन्होंने पाउंड मास में ले लिया है। जब पाउंड मास में लिया है तो हम यहाँ पर कन्वर्जन यूनिट अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें पाउंड फोर्स है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं BTU में, क्योंकि हमें चाहिए U, डेल्टा U। डेल्टा U क्या है, जूल्स और किलो जूल्स में आती है इसकी वैल्यूज, लेकिन हम अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम में हमारे पास ये BTU में आना चाहिए। तो BTU में कन्वर्ट करने के लिए हमने या कन्वर्जन यूनिट अप्लाई किया, 1 BTU इज इक्वल टू 778 फुट पाउंड फोर्स। तो पाउंड फोर्स से पाउंड फोर्स कैंसिल आउट हो गई, ये आपको कन्वर्जन यूनिट्स आप लोगों ने किए हुए हैं, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर आपने कन्वर्जन यूनिट्स अप्लाई करने के बाद कैंसिल आउट की टर्म्स, और आपके पास लास्ट में बच गया सिर्फ BTU, जो कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, और किलो जूल्स की बजाय या जूल्स की बजाय हम BTU लेते हैं अमेरिकन इंजीनियरिंग सिस्टम में। तो ये डेल्टा U आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे सॉरी डेल्टा यू नहीं, आपने यहाँ पर डेल्टा पी भी आपने जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। और ये इक्वेशन है, इसमें हमने वैल्यू इसकी अप्लाई कर दी है। अच्छा, उसके बाद आ गया एनर्जी बैलेंस फॉर क्लोज्ड स्टेडी स्टेट सिस्टम। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ आ गया, हो जाएगा ये? मिस, ये तो डेल्टा पी वी निकला था ना, तो फिर आ गया, तो ये अप्लाई किया ना, आप देखें ना इक्वेशन में नीचे डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच, ये कैलकुलेट किया है ना, सो कैलकुलेट करो। इसको बाद में कैलकुलेट कर लेना, ये मैंने अभी आपको डेल्टा पी भी निकाला है, अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं करा हुआ, इसको आप इक्वेशन में डालो और इसको कैलकुलेट कर लो। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा पी भी, एक सेकेंड, ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ये देखें आप नीचे डेल्टा एच हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, इसको आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास ये इसका रिजल्ट यही आएगा। कुछ काम खुद भी तो करो ना, अभी सारा हलवा बना के मैं खिला दूं, आप बिस्तर में सोए सोए खा लो। इसको कैलकुलेट करो, उठो पेन पकड़ो कॉपी पकड़ो और इसको न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करो, तो ये फिर समझ आएगा। अच्छा जी, एनर्जी बैलेंस फॉर क्लोज्ड स्टेडी स्टेट सिस्टम्स। अच्छा, अब हमने किया था क्लोज अनस्टेडी स्टेट सिस्टम किया था, अब हम क्लोज स्टेडी स्टेट सिस्टम पर आ गए। अच्छा, इक्वेशन जो है मॉडिफाई करते जाएंगे, जो हमारे पास मेन इक्वेशन है एनर्जी बैलेंस की, उसमें हम अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोसेस या सिस्टम या स्टेट हम उसको चेंज करते जाएंगे। अब हमारे पास क्लोज स्टेडी स्टेट सिस्टम आ गया। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बताया, रिकॉल दैट स्टेडी स्टेट मीन्स एक्युमुलेशन जीरो अगेन एंड अगेन, accumulation in system is zero, no accumulation in the system, and that flows of the Q and W in and out of the system are constant. yani jo closed steady state system hai, closed system mein mass enter ya exit nahi ho sakta, lekin Q aur work jo hai in aur out ho sakte hain, aur unki values jo hai wo constant rehti hai. steady state means constant values, jitni wo enter pe uski in uski value hai utni hi uski out par value hogi. They can actually vary in the process, of course, but we are really interested only in their net cumulative values over a time interval. हम इसका net value जो है वो input पर output पर क्या values आ रही हैं उसमें हम interested होते हैं, हम ये change consider नहीं कर रहे होते कि during the process या during इसमें in और out के दौरान इसमें क्या change आ रही होती है. And look at only the final and the initial conditions for delta E, यानी energy change. How should equation 22.2 be modified? जो equation 22.2 हमने पीछे ली थी, इसको हमने modify करा steady state system के लिए. You have to realize that inside the system, change in kinetic energy zero, change in potential energy zero, change in internal energy zero, and change in energy, total energy is equals to zero. तो Q plus W हमारे पास आ गया 22.4, equation हमारे पास बन जाएगी इस तरह से. मेरे ख्याल से मैं इसको यहीं पे छोड़ती हूँ इस वक्त, क्योंकि आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी।
पहले इसको पिछला जो मैंने लेक्चर करवाया है उसको आप स्टडी करो और उसमें वो समझो कि अनस्टेडी स्टेट डेल्टा हमने कैसे अप्लाई की इक्वेशन, उसको फिर मैं आपको नेक्स्ट लेके आऊंगी क्लोज स्टेडी स्टेट सिस्टम पे। मैं खत्म कर रही हूँ। ओके मिस, थैंक यू मिस। ओके मैम, इतना अच्छा लगा ना, क्लास खत्म हो गया। यस मिस, अच्छी फीलिंग आती है। मैं अटेंडेंस ले सिस्टम को हम नेक्स्ट क्लास पे के लिए रखते हैं। ओके मैम, ये मैंने अटेंडेंस आप लोगों के लिए। कोई और क्वेश्चन अगर है पूछना चाहे तो पूछ लें, अगर पढ़ के आप कल पूछ लें तो आई मीन नेक्स्ट वीक जो है इसको स्टडी करके इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर नेक्स्ट वीक पूछना, जिसकी मुझे उम्मीद कम है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। क्लास खत्म है भाई? नहीं, चल रही है। मिस नेपाल गई आती हूँ। पक्का नेपाल से कोई वापस नहीं आता यार? रिकॉर्डिंग फिर ऑन छोड़ गए हैं। सब नीट करो तभी रिकॉर्डिंग बंद होती है। फिर अब सब लीव करेंगे तब ना।